तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल गोट यूनिटी एंड अवर न्यू गेमिंग वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पकड़ेंगे उन सभी डायमंड्स को जो फायर टेंपल में न्यू आए हैं। तो गाइस, ये टोटल 4 है और जो लेजेंडरी ड्रैकियो से तो मैंने पहले ही पकड़ लिया, बट इस वीडियो में दोबारा से आपको दिखा दूंगा एंड में। तो गाइस, सबसे पहले पकड़ते हैं इन तीनों डायमंड्स को। तो गाइस, जो फर्स्ट है उसको मैं पकड़ूंगा मोल्टिल। और गाइस, तो गाइस ये मेरे को मिला था गाइस यहाँ पे ही, आप देख सकते हैं जहाँ पे मिलता ड्रैकियो। तो ड्रैकियो को पकड़ने के बाद आप ट्राई करना गाइस, और मेरे को लेवल 34 का मिला था, तो आप भी इसके आसपास ट्राई कर सकते हैं और आपको भी ये मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, और मैं इसमें सभी मैक्स लेवल के बताऊंगा गाइस लेवल 34 के। तो गाइस देख सकते हैं लेवल 34 के ये, और पॉइजन बाइट मैंने सबसे पहले इसको लगाई है, और अब मैं इस पर कुछ और अटैक करूँगा, फिर जाके मैं इसे आसानी से पकड़ लूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फ्लैश का एक्स्ट्रा डैमेज, देख सकते हैं गाइस। और गाइस अब इस पर एक और अटैक करना है और फिर जाके मैं इसको पकड़ूँगा। तो गाइस अभी भी काफ़ी हेल्थ बची हुई है और इस पर पॉइजन बाइट लगी है, सो वो अपना काम करती रहेगी। तो एक छोटा सा अटैक कर सकता हूँ गाइस मैं, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मिस हो गया, जो कि शॉनिक शॉप। तो गाइस अब देख सकते हैं, अब काफ़ी थोड़ी हेल्थ है, अटैक करूँगा तो मर जाएगा, तो इस करके मैं नाइटफॉल कर रहा हूँ और उस पर पॉइजन बाइट का असर होएगा। तो गाइस देख सकते हैं पॉइजन बाइट ने अपना काम कर दिया है, और अब मैं इसको पकड़ूंगा बड़ा डायमंड आगे रख के, जो कि जोमो का है। तो जोमो को आगे रख के मैंने इसको पकड़ा है, और यहाँ पे फाइनली गाइस मैंने इसको बहुत इजीली पकड़ लिया है मोल्टिल। और आप भी इसके आसपास ट्राई कर सकते हैं, और इस जगह के आसपास आपको मिल जाएगा ज़्यादा लेवल का। तो गाइस नेक्स्ट मैं बात करूंगा एम्बेरा की। गाइस यहाँ पे मिला था गाइस मेरे को बीचों बीच वाले, यहाँ पे जहाँ पे हमारा 4th 5th बॉस होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 34 का मिलता है मुझे, और मैं ड्रैकियो का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तब। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजन बाइट लगा दिया मैंने इसे, और बता दूँ गाइस एम्बेरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो ये फायर डायमंड है उनमें से, यहाँ पे जो नए आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है गाइस, ड्रैकियो को छोड़ के। तो गाइस देख सकते हैं डैमेज हो रहा है उस पर, और ड्रैको लेजेंडरी डायमंड है, इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो गाइस उसने एनरेज कर लिया, और एनरेज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, बट पॉइजन बाइट है मेरे पास। तो गाइस फ्लेम स्विल और देख सकते हैं काफ़ी डैमेज दिया है। तो एक और अटैक करता हूँ गाइस हरिकेन। तो गाइस देख सकते हैं अटैक कम कर दिया, हेल्थ अभी भी बची हुई है इसकी। तो गाइस पॉइजन बाइट भी लगी हुई है, सो यहाँ पर ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, या तो एक छोटा अटैक करता हूँ। तो गाइस पॉइजन बाइट छोटा सा अटैक और देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ट्रैक ख़त्म हो गया, उस पर पॉइजन बाइट लगी हुई है, सो जेनिक्स को आगे रख के पकड़ूंगा, अब थोड़ी सी हेल्थ बची है क्योंकि। तो जी हाँ गाइस, मैंने एम्बेरा को भी बहुत इजीली पकड़ लिया, और आप भी इसके आसपास ट्राई कर सकते हो, या कलूड वाली लोकेशन पे आप ढूंढ लेना, वहाँ पे मिल जाता है। तो नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे टफ फायर, ये मेरे को मिला था इस लोकेशन पे, तो आप भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको बॉस वाली लोकेशन पे, इसके आसपास आप ट्राई कर लेना, लेवल 34 का आपको मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मैं इस पर पहले जेनिक्स का अटैक बढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इस पर मैं लगाता हूँ पॉइजन बाइट ताकि डैमेज होता रहे इसको। तो गाइस देख सकते हैं लेवल 34 का मिला है मुझे, और आपको मिल जाएगा, आप इसके आसपास ट्राई करते रहना, तो पॉइजन बाइट लगी हुई अपना काम करती रहेगी। सो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया है तो कर लो, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलते रहे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पॉइजन बाइट इस पर लगी हुई डैमेज हो रहा है, मैं जेनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, नाइटफॉल कर रहा हूँ मैं, और अटैक बढ़ा ले तो एक अटैक करूँगा बफ, फिर इसके बाद पॉइजन बाइट अपना काम करेगी। तो यहाँ पे हंट और ये हिप्नो भी लग गया गया अटैक बढ़ाया क्योंकि मैंने, और अटैक पावरफुल हो जाता है तो हिप्नो लग जाता है यहाँ पे। तो गाइस अब मेरे को एक छोटा अटैक करना पड़ेगा इस पर, तो देखता हूँ किससे करूँ, तो इसके बाद बड़े अटैक है और इसे पॉइजन बाइट लगा सकता हूँ गाइस मैं इस पर। तो और जोमो का जो इससे इसके पास भी बड़े अटैक है, तो यहाँ पे रिवाइव कर लेते हैं इसको मैं। तो गाइस अब तो मेरे को पॉइजन वाइट ही लगानी पड़ेगी, या तो और कोई मेरे पास चारा नहीं है, तो पॉइजन वाइट लगा देता हूँ या फिर अपने भी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ मैं पकड़ने की, तो गाइस यहाँ पे टूट गया ये देखो। तो गाइस इस करके मैं करना, तो गाइस इसने अपनी हेल्थ बढ़ा ली है, और अब मैं पॉइजन बाइट लगा दूंगा इस पर। तो यहाँ पे ये थोड़ा पहले पंगा पड़ गया था कि ये थोड़ा ज़्यादा ख़त्म ना हो जाए। तो गाइस अब पॉइजन बाइट है धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा, तो मैं अब अटैक की वजह मैं छोटा सा अटैक कर सकता हूँ या फिर अपने पे ही अटैक कर लूँ। तो गाइस पकड़ने की कोशिश करता हूँ यार, बहुत वो हो गया इसका, तो एक बार ट्राई करता हूँ इसको पकड़ने का। तो जोमो सबके पास बड़े अटैक है, मेरे को ऐसा है कि ख़त्म ना हो जाए।
तो पकड़ लेते हो लेवल 34 का मिला है। तो गाइस जी हाँ, मैंने इसको पकड़ लिया, एक बार डिस्काय तोड़ दिया था इसने, बट नेक्स्ट टाइम मैं जो पकड़ लिया और देख सकते हो रिवॉर्ड भी मिल गए। तो गाइस आपने देखा कि हम मैंने बहुत इजीली तरीके से इनको पकड़ लिया है। नेक्स्ट है जो मेरे पास ड्रैक्यू, तो गाइस ये मिलेगा आपको इस जगह पे या इसके आसपास, यहीं पे दो स्पॉट है। तो गाइस देख सकते हो लेवल 33 का मिला था मुझे और मैंने इसे पकड़ लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। और मेरे को नहीं पता था तब कि लेवल 34 के भी मिल रहे हैं, बट लेवल 34 का भी मिल जाएगा आपको एक दो बार और ट्राई करना। तो गाइस देख सकते हैं लेजेंडरी डायमंड है ये, लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है इसकी। तो गाइस मैं जेनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, इसका डिफेंस थोड़ा वीक करते हैं फिर आसानी से पकड़ लेंगे हम इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ड्रैक्यू के अगेन जो जोमो का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों लेजेंडरी डायमंड है, एक वाटर टाइप का एक फायर टाइप का। तो गाइस देख सकते हैं पॉइजन बाइट अपना काम कर रही है उस पर, जैसे कि लगाई थी मैंने जिस स्ट्रेटजी से, तो इसका अटैक भी कम कर दिया है। और एक और अटैक करूँगा फिर जाकर मैं इसे पकड़ लूँगा पॉइजन बाइट, क्योंकि लगी हुई है इस पर। तो गाइस यहाँ पे करता हूँ सोनिक शॉक और देख सकते हैं डैमेज तो ठीक गया है और पॉइजन बाइट भी लगी हुई है इस पर। तो अब जाके मैं इसको पकड़ लूँगा गाइस, और देख सकते हैं अब मैं जोमो को ही आगे रख के पकड़ता हूँ गाइस, तो देखते पकड़ में आता है कि नहीं। तो जी हाँ गाइस, मैंने इसे पकड़ लिया बहुत इजी तरीके से, और आप भी पकड़ सकते हैं इसी तरीके से, पॉइजन बाइट लगा देना बस, और यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिल गया है। तो गाइस आप भी इस तरह से सभी डायमंड्स को पकड़ सकते हैं। मैंने आपको लोकेशन बताई जो कलयुट बॉस है इसके आसपास ज़्यादा चांस है मिलने के, जो बड़े लेवल के डायमंड हैं, तो आप भी इनको पकड़ सकते हैं। देखो टफायर, एम्बेरा, मोल्टेलो और उसके अलावा मैंने ड्रैको को भी पकड़ लिया है, तो आप भी पकड़ सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने लाइक किया है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने सबको पकड़ लिया और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टेंपल भी अनलॉक हो चुका है। तो गाइस मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।